morning, students. How are you all? I hope you are all fine and enjoying your studies at home. I am your Urdu teacher. बताइए आज क्या दिन है? Okay. और क्या तारीख है? All right. Which period is this? Urdu period. Which period is this? जी बेटा उर्दू का period है. Which period is this? Urdu period. Students, हम कायदे की पढ़ाई में मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के साथ मुख्तलिफ ज़कीरे अल्फाज को तोड़ के साथ जोड़कर पढ़ना सीखते हैं. आप मुझे बताइए वाओ के बाद कौन सा हर्फ आता है? वेरी गुड. हे. आज हम करेंगे हे की पढ़ाई जो कि है सफा नंबर 79 पर, बुक पेज नंबर 79 पर. आज जो आपने रीडिंग करनी है टीचर ने बोर्ड पे वैसे ही आपकी बेटर लर्निंग के लिए ड्रॉ किया है. आइए पढ़ते हैं. हरूफ तहज्जी का हर्फ है ये हे हे हे. ये दोनों इसकी आदि अशकाल या छोटी अशकाल है जिनको ह ह ह बोलते हैं. आइए अब इसके मुख्तलिफ ज़खीरा अल्फाज सीखते हैं. हे हिरन हिरनुन हिरन. हे से क्या बनता है? हिरनुन हिरन हिरनुन हिरन. हे हुदहुद. जी ये भी एक बर्ड है. हे दाल हे दाल हुदहुद. हे दाल हे दाल हुदहुद. हे दाल हे दाल हुदहुद. हे हार. हे अलिफ रे हार. हे अलिफ रे हार. हे अलिफ रे हार. हे होंट. हे वाओ नून टे होंट. हे वाओ नून टे होंट. हे वाओ नून टे होंट. स्टूडेंट्स हरूफ को जो मुख्तलिफ अल्फाज ज़खीरे अल्फाज को पढ़ने के बाद अब हम एक जुमला पढ़ते हैं. आइए बुक पर फोकस कीजिए. हुमा हार पहनती है. हुमा हार पहनती है. हुमा हार पहनती है. जी स्टूडेंट्स आज हम बुक पेज नंबर 79 के बाद 80 पे एक एक्टिविटी करते हैं. सफा नंबर 80 बुक पेज नंबर 80 पे आप देखें तो एक एक्टिविटी दी गई है. मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करके कहानी मुकम्मल कीजिए. मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करके कहानी मुकम्मल कीजिए. मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करके कहानी मुकम्मल कीजिए. अब ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं और नीचे खाली जगह दी गई है. आपने लाइन को लफ्ज को जुमले को पढ़ना है. जो मुनासिब यानी कि उसके साथ ठीक लफ्ज आता होगा वो आपने खाली जगह में लिखना है. और ये एक स्टोरी दी गई है. आपको पिक्चर देख रहे हैं उसमें हुदहुद भी है हिरन भी है और एक जंगल की पिक्चर आपको शो की गई है. ठीक है आपने ये कहानी को मुकम्मल करना है. आइए पढ़ते हैं. अल्फाज में दिए गए हिरन 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 हुदहुद 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 कहीं 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 वो बहुत 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 हो. चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कहानी मुकम्मल करने के लिए. हिरन और डैश दोनों दोस्त थे. अब हिरन और कौन दोस्त थे? हिरन ये तो लिखा हुआ है. हुदहुद बिल्कुल ठीक. इसको टिक करें और यहाँ पे राइट करें हुदहुद. एक दिन डैश जंगल में चरते चरते दूर निकल गया. अब कौन चढ़ता है? हुदहुद चढ़ती है या हिरन? देखें हिरन बिल्कुल ठीक. यहाँ पे आप लिखेंगे हिरन. हुदहुद ने उसे डैश तलाश किया. कहीं वो बहुत हो तो क्या तलाश किया उसे? बहुत तलाश किया. बे हे ते बहुत. उसके बाद देखें लेकिन वो उसे डैश नजर ना आया. कहीं वो हो. अब तीनों में से कौन सा आएगा? कहीं. जी कहीं को टिक कर लें. काफ है ये नूनगुना. तो डैश खुश डैश गया. तो वो खुश हो गया. वो यानी कि हिरन डैश हो गया. आखिरकार हिरन नजर आ यानी कि वो दोनों फ्रेंड्स थे ना. आखिरकार हिरन नजर आ गया तो कौन खुश हो गया? हुदहुद. वो खुश हो गया. हो को भी टिक कर लें. जी डियर स्टूडेंट्स इट इज ऑल अबाउट बुक पेज नंबर 79 एंड 80. आपने रीडिंग कायदे की पढ़ाई से पहले और एक्टिविटी करने से पहले बुक पैटर्न को फॉलो करते हुए तारीख लिखनी है. उसके बाद जिम का काम जमात का काम और दिन मेंशन करना है. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टे होम स्टे सेफ अल्लाह हाफिज़.